नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की और उसके अंदर अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं एनएफए डिज़ाइनिंग में। तो आइए इस वीडियो में एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं एनएफए डिज़ाइनिंग पर। तो ये पहले सवाल समझते हैं। तो बोल रहा है कि डिज़ाइन एनएफए अगेन ओवर इनपुट अल्फाबेट ए कॉमा बी सच दैट इट एक्सेप्ट एवरी स्ट्रिंग विच स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द सेम सिंबल। यानी कि हर स्ट्रिंग के स्टार्टिंग और एंडिंग में क्या होना चाहिए, सेम सिंबल। तो अगेन पहले मैं चाहूँगा एक बार हम पैटर्न समझें कि कौन कौन से लॉजिक एक्सेप्टेबल होंगे। अगेन वैसे तो सिंपल पैटर्न है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सिंबल। तो दो मेजर टाइप्स है जो मैं समझ आना चाहिए, वो क्या कि साहब अगर ए से स्टार्ट किया तो ए से ही एंड भी करेगा, अगर बी से स्टार्ट किया तो बी से ही एंड करेगा। क्या नहीं चलेगा कि ए से आपने स्टार्ट किया और ख़त्म आप बी से कर रहे हैं, या बी से स्टार्ट किया ख़त्म ए से कर रहे हैं। बट अगेन एक चीज़ हमें नहीं भूलनी, वो क्या सिंगल ए और सिंगल बी भी वैलिड केस है? जी हाँ, वो क्यों? तब समझिएगा, अगर सिंगल ए है तो पहला और आखिरी सिंबल दोनों ही भाई ए है, और अगर सिंगल बी है तो भी पहला और आखिरी सिंबल दोनों बी है। तो इन दो पैटर्न के अलावा सिंगल ए और सिंगल बी भी जो है हमारे वो एक्सेप्टेबल केस है। ठीक है, तो आइए अब इसको समझते हैं। तो अगेन मैं चाहता हूँ कि एक बार दोबारा हम डी एफ ए ट्राई करें पहले इसका सिंपल। तो आप समझिएगा, लेट मी से कि भाई अगर आपके पास है स्टेट क्यू नॉट, और हम हमेशा की तरह पहले क्या करेंगे, जो दो सबसे छोटे पॉसिबल स्ट्रिंग है उसे एक्सेप्ट कराते हैं, विच इज सिंगल ए और सिंगल बी। तो पहले चलिए ऐसा ही करते हैं। तो क्यू नॉट पे अगर आया ए तो मैं पहुंचा क्यू वन पे विच इज फाइनल, और क्यू नॉट पे अगर आया बी तो मैं पहुंचा क्यू टू पे जो भी हमारा कौन सा हुआ फाइनल स्टेट। तो इसी सिंगल ए और सिंगल बी दोनों हमने एक्सेप्ट करा लिए। अगेन बताइए अगला स्टेप क्या है कि आफ्टर एक्सेप्टिंग द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग पॉसिबल फिर हम कंप्लीट करते हैं सिस्टम को। तो आप देखिए क्यू नॉट तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो अगला किसको कंप्लीट करते हैं, क्यू वन को। तो दोबारा समझेंगे, क्यू नॉट पे अगर ए के बाद कितना भी ए आए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह क्यू टू पर भी ए के बाद क्या बी के बाद क्या आ सकता है, बी आ सकता है। बट अगर एक बार ए आया तो आपको ख़त्म किससे ही करना होगा, ए से, और अगर ए के बाद बी आए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मान लीजिए अगेन पहले वाले क्वेश्चन की तरह कुछ समय के लिए हम चले जाते हैं लेट मी से किसी नए स्टेट क्यू थ्री पर, और जैसे जब तक बी आएगा तब तक हम वहीं वेट करेंगे, और जैसे ही ए आएगा वापस दोबारा हम आ गए किस पर, क्यू वन पर। और मेरे ख्याल से सेम कहानी रिपीट कर सकते हैं किसके लिए, क्यू नॉट के लिए। तो मेरे ख्याल से आप सोच पा रहे होंगे, तो क्यू टू पे अब ए के लिए काम करते हैं, तो एक और स्टेट लगा लेता हूँ मैं क्यू फोर, और क्यू टू पे जैसे ही आया आप गए क्यू फोर पे, और यहाँ आप लूप कर सकते हैं, और जैसे ही आया बी आप दोबारा वापस आ गए किस पे, क्यू टू पे। तो आप समझिए, आई थिंक अब हमारा मशीन कंप्लीट हो गया है, और ये एक परफेक्ट मशीन है जो क्या करेगा, ये वो सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा जहाँ पर पहला और आखिरी दोनों सिंबल क्या है, सेम। तो ए से स्टार्ट किया एक्सेप्ट करेगा, बी आया नॉन फाइनल पे ए आया फिर दोबारा फाइनल, और अगर बी से स्टार्ट किया एक्सेप्ट करेगा फिर ए आया नॉन फाइनल पे बी आया फिर दोबारा कहाँ पहुँचा, फाइनल स्टेट पे। बट देखिए इतना कुछ सोचना और करना पड़ता है जब आप बात करते हैं कि इसकी डी एफ ए की। बट अगेन अगर यही काम मैं दोबारा एन एफ ए के लिए करूँ तो आप समझिए अगेन क्यू नॉट हमारे पास स्टेट है। अब अगेन समझिए, जैसे पहले बात की थी, तो क्यू नॉट पे सबसे पहले अगर सिंगल ए या सिंगल बी, मैं तो एक ही ट्रांजिशन लिख देता हूँ, अलग अलग लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, और आया तो आप कहाँ पहुँचे, क्यू वन पे। तो आप समझिए सिंगल ए और सिंगल बी आपने एक्सेप्ट करा लिया, इस सिस्टम में मैंने अलग अलग ट्रांजिशन लिया, और यहाँ पे एक ही क्यों लिया, अभी धीरे धीरे आप समझेंगे, बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल ट्रांजिशंस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको वापस आना नहीं है। फिर दोबारा समझें, अब क्या कर सकता हूँ, ये दोनों पैटर्न अगेन मुझे कैप्चर करने हैं, तो उसको सेपरेटली कैप्चर करते हैं पहले की तरह। तो क्यू नॉट पे अगर आया ए, मान लीजिए एक नया स्टेट बना लेते हैं क्यू टू, और पहुँचेंगे नीचे से, और यहाँ पे एक लूप लगा लेते हैं किसका, ए और बी का, और मेरे ख्याल से आप सोच पा रहे होंगे। सिमिलरली दूसरा काम कर सकते हैं किसके लिए, बी के लिए। तो आप समझिए कि जैसे ही आया बी
तो फिर दोबारा आप लूप लगा सकते हैं किसका, ए बी का, और कहाँ पहुँचे, फाइनल स्टेट पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्यू नॉट पे सिंगल ए और सिंगल बी एक्सेप्टेबल हैं, बट अगर ए और उसका बीच में कितना भी ए आर और लास्ट में ए आएगा तो भी वैलिड है, और इधर बी और फिर बीच में कितना भी ए बी आया लास्ट में बी आया, आई एम सॉरी, इधर क्या होना चाहिए, बी लास्ट में बी आया तो भी वैलिड है। बट अगेन एक बात ध्यान रखेंगे, इस मशीन के अंदर भी ऐसी कोई स्ट्रिंग कभी एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी जो ए से स्टार्ट करके बी सेंड करे या बी से स्टार्ट करके ए सेंड करे, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर फाइनल स्टेट पर हमने कोई ट्रांजिशन नहीं दिया है। तो फाइनल स्टेट पर अगर आप आते हैं तो फॉर श्योर आखिरी सिंबल इस रास्ते से आए तो ए होगा, इस रास्ते से आए तो बी ही होगा, और इस रास्ते पर अगर हैं तो फिर तो सिंगल ए या बी कुछ भी हो दोनों वैलिड केसेस हैं। तो आई थिंक ये भी एक आसान और लॉजिकल केस था NFA डिजाइनिंग पे, जिस पे हमने समझा कि सेम लॉजिक को NFA से कैसे आप थोड़ा बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।